कौन होगा वो? फ्रेंड हो सकता है, भाई हो सकता है, चाचा होगा, दादा हो सकता है, मामा हो सकता है। कुछ भी बोल यार, प्यार होने के बाद सब कुछ पॉजिटिव लगता है। ओके बाय। देर किस बात की, चाचा जी चले गए, अब तू जाके प्रपोज कर। बहन जी दुर्योधन, तुम जाकर लड़की से बात करो, उसे प्रपोज करने से पहले ही वो तुम्हें हाँ बोल दे, मैं ऐसी चाल चलता हूँ। जाओ जाओ जाओ। हाय। हे प्रिया, वो कौन थे? अरे, इतना बड़ा रेस्टोरेंट इतने अच्छे टेस्ट के साथ चलाना विक्की के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। तुमसे जो भी शादी करेगी ना, उसकी तो समझो लॉटरी लगे, सात जन्म निहाल हो जाएंगे। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, उसकी वजह आप हो। क्या कहा? जो टेस्ट यहाँ है वो उसके हाथ के खाने में नहीं है, ऐसा ताना वो नहीं सुन पाई सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं यहीं पे खा के जी लूंगा सर। थैंक यू मैडम। उन्होंने कहा इसलिए अच्छा नहीं है, मैं कह रही हूँ ना मस्त है, फंटास्टिक, बट छोटा पड़ जाएगा। तुमसे पता नहीं कौन शादी करेगा, पर जो भी होगी लकी होगी। Will you take that luck? हाँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे पेरेंट्स से आकर मैं बात कर लूंगा। मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है विक्की। दो दिन में एंगेजमेंट है। अभी जो आया मेरा फियांसे था। विकी बैठ सकते हो? क्यों बैठूं तुम्हारे साथ? 10 दिन से हम दोनों एक साथ घूम रहे हैं, एक बार भी एंगेजमेंट के बारे में बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? इतना क्लोज क्यों आई तुम? इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ाई? कभी तो बचपन में लिखे लव लेटर के बारे में इतने डिटेल में बता रही थी, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए बिना मैं कैसे रह सकता था? फाइनली मैंने बताया और तुमने रिजेक्ट कर दिया। अब खुश हो ना? हो गया ना? ये सूर्या, गाना लगा यार, थोड़ा मूड तो बनेगा। प्रेम करे न कोई, दिल दे न कोई, करे न बाप रे, ये जानबूझकर नहीं किया हुआ है, ये तो सिचुएशन में सेट हो गया यार, मुझे कुछ नहीं पता। ये लड़कियां सारी ऐसी होती हैं, सेल्फिश। देख यार, उस दिन तू सुमा के बारे में भी ऐसा ही सोच रहा था और 15 साल बाद आज ओपिनियन बदल गया। देखता रहा है, 10 साल बाद हो सकता है सिंधु के बारे में भी ऐसे कुछ पता चले। तब पता चलेगा तो भी क्या फायदा होने वाला है? कम से कम टाइम भी तो नहीं है, 2 दिन ही। तो क्या करें? और एक पिक मारते हैं। दुख, खुशी, गुस्सा, नफरत, डर, इसमें से जब एक भी ज्यादा होता है तो यही तो सपोर्ट करता है हमें कुछ सालों से। बिल्कुल रे। चीयर्स। क्या है ये? गेट आउट। हेलो, मैं सिंधु। इतनी बार कॉल करने की क्या जरूरत है? तुमसे बात करनी है। फोन रखो और अपने फियांसे से कॉल करके बात करो। मैं कंफ्यूजन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? भगवान पे भरोसा रखो और अपने मन की बात करो। अबे कौन है तू? मैं बोल रहा हूँ। फोन रख। देखो सिंधु, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी।
इसी ब्रांड में और कोई फ्लेवर आए तो जरा देख लेना। क्या यार, देखता है सिंधु वेट कर रही है। क्या हुआ, डल क्यों लग रही हो? एंगेजमेंट कैंसिल हो गई क्या? नहीं, वो हो गई, शादी कैंसिल हो गई। क्या हुआ था? हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाय, कांग्रेट्स। ऑल द बेस्ट बॉस। थैंक्स। ओके, सी यू। ओके, बाय। बाय। तुम्हारे बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा है, मतलब दोस्तों में लड़के बहुत ज्यादा है ना? कंग्रेट्स। हे, कंग्रेट्स ब्रो। सिंधु, वन सेल्फी। हाय ब्रो, कंग्रेट्स। ओके, कुछ भी हो, मुंबई में पढ़ाई की है ना, फ्री लाइफ तुम लोगों में कॉमन है ना, इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो, सड़ा हुआ मुंह मत बनाओ। फिर से बोलो। वैसे भी तुमसे क्या, उससे बोलना चाहिए। किसे? मेरी माँ को। तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो? मैंने तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं बोला ना। ऐसा सब सुनकर बहुत रोना आ गया था, सब लोग वजह पूछने लगे, बोल दिया, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसने पापा पर भी हाथ उठाया, घर में सब बहुत अपसेट हैं। रिश्तेदार तो मम्मी पापा पर चिल्ला करके कह रहे थे कि बिना कुछ पूछे जाने शादी कैसे फिक्स कर दी। पता है विकी, वो ड्रिंक भी करता है, स्मोक भी करता है और ड्रग एडिक्ट भी है। छी, आई हेट ड्रग्स। यही सब तुमसे शेयर करने आई थी। ओके, मुझे थोड़ा काम है, तुम पास्ता ऑर्डर करना चाहोगी? नहीं, चलती हूँ, इट्स ओके। तुमसे कुछ कहना था। आई लव यू विक्रम। हाँ विक्रम, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी ये फीलिंग जागी, पर उस समय मैं तुम्हें बता नहीं पाई क्योंकि मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी। एक ना एक दिन एंगेजमेंट के बारे में बताना ही था। हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना मांगती थी कि विक्रम मेरा हो जाए। भगवान ने सुन लिया और ऐसी सिचुएशन हो गई। आई लव यू विक्रम। सिंधु, मुझे एक मिनट दोगी प्लीज? ओके। सिंधु। बेटा, मंदिर में तो शर्म करो। कौन है? रवि, दिन में कम से कम 100 कॉल और 200 मैसेजेस करता है। देख भाई, सिंधु तुझे नहीं चाहती है ना, तो छोड़ दे। मना करने वाला तू कौन होता है बे? देख भाई, सीरियस क्यों हो रहा है बे? तेरे बाप की तो, इसने भी तेरे बाप की तो बोल दिया है जी। अब आगे क्या होगा वो तो आप भी जानते हैं। सिर दो फूटे। थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया है ना? बिल्कुल भी नहीं, लेटेस्ट नागार्जुन स्टाइल, उसको तो हम देख ही लेंगे। Oh,
हो तुम लोग? प्याज के दाम क्यों बढ़ गए रे? अब आम आदमी कैसे जिएगा? क्या रेट है भैया? मुझसे रेट पूछता तेरी तो। ड्रामा क्यों बंद कर दिया रे? लाइफ में लड़कियों की कमी, इंटरनेट में मूवीज भी नहीं है, फिर कैसे जिएंगे यार? कैसे कैसे कैसे? थोड़ा हंसना यार, मेरे से पहले तेरी शादी हो रही, हंसी नहीं आ रही मुझे। नेक्स्ट तुम्हारी होगी। सच्ची? ओ रेडी। बेटा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोलना। अरे ऐसे क्या देखा? बोल बोल बोल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसके उससे क्या दुश्मनी थी? तुम कौन हो भाई? तू कौन है? रवि। कंडक्टर? कॉन्ट्रैक्टर। रॉन्ग नंबर। हाँ, तूने जो नाम बताया वो इतना बड़ा था, इसका तो बहुत छोटा सा नाम है यार। कंडक्टर कॉन्ट्रैक्टर, एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब हुआ है। क्या हुआ, टेंशन में हो गया? रवि आएगा सोच रही हो? हाँ? कल पंडित जी हमें अरुंधति नक्षत्र दिखा रहे थे, तब तक बाकी के तारे मैं उस रवि को दिखा चुका था। ए, तुम लोग मुझे किसी कारण से ही मार रहे थे, मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है शायद। मैडम आई है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। कंग्रेट्स। थैंक यू। तूने बुलाया? सिंधु ने बुलाने को कहा था। श्रीखंड। या। प्रोफेशनल मराठी शेफ ने बनाया और ऐसे लग रहा है। कैसा है रे? हाय, कहाँ थे आप? अरे अरेंजमेंट करवा रहा था भाई। ओ अच्छा, ओके। ये सब क्या है पापा, दाढ़ी कितनी बढ़ा ली? स्टाइल है बेटा, अपडेट रहने का। मैं 10 साल पहले कॉलेज में था तभी छोड़ दिया था, अभी ये ट्रेंड है। अच्छा, हेलो, ट्रेंड की बात तुम किसके सामने कर रहे हो? अच्छा। बिल्कुल सही कहा तुमने।